जनपद के नवागढ़ जिलाधिकारी नीतीश कुमार मंगलवार को पहुंचे संभाला पंडाल, जहां एसएसपी शैलेश पांडे व अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्वागत किया गया। नवागढ़ जिलाधिकारी ने हनुमानगढ़ी अपने परिवार के साथ पहुंचकर हनुमानगढ़ी में माथा टेका। उसके बाद नवागढ़ जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से मुखातिब हुए। पत्रकार वार्ता में नवागढ़ जिलाधिकारी शर्मा ने कहा, बताया कि दोनों क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, दोनों में हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट का प्रयास करेंगे। हम लोग आपने अयोध्या नगर निगम का जो विकास हो रहा है उसको हम लोग गति देंगे। जो आधारभूत संरचना के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ संचालित हैं और कुछ स्टार्ट होने की स्थिति में है, कुछ टेंडर की स्थिति में है, उसको हम लोग बेहतर तरीके से नियोजित करके उसको समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से बनाएंगे। और हमारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनना है अयोध्या का, उसको हम लोग टॉप प्रायोरिटी पर लेंगे कि इससे हमारा कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो सकता है, दूसरे शहरों से हम जुड़ पाएंगे बेहतर तरीके से, हमारा रैपिड ट्रांसपोर्टेशन संभव हो पाएगा और एक विश्व पर्यटन के मानचित्र पे अयोध्या उभर के आएगा, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। और हम एक बेहतर कलेवर में अयोध्या को प्रस्तुत करेंगे, रामनगरी की यादें लोगों को उत्साहित करेगी और जो एक बार आएंगे वो बार बार आना चाहेंगे, ऐसा हम लोग प्रयास करने का प्रयास करेंगे। रामनगरी में दीपोत्सव का एक बहुत महत्व है और हम लोग चाहेंगे कि बहुत बेहतर तरीके से दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाए और जन सहभागिता के द्वारा हम लोग चाहेंगे कि बहुत बेहतर आयोजन हो, कि लोग जो देखने आ रहे हैं जनपदवासी और जो बाहर से भी आ रहे हैं उन्हें लगे कि हम दीपोत्सव का आनंद ले पाएँ बहुत बेहतर तरीके से, उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। उसके लिए महत्वपूर्ण है कि देखेंगे रूट्स हमारे कितने हैं, अल्टरनेटिव रूट्स कितने हैं, उसको देखा जाएगा और सभी रूट्स का मैक्सिमम यूटिलाइज करने का प्रयास किया जाएगा कि उसको हम कैसे देख सकते हैं, ट्रैफिक डाइवर्जन करके और लोगों को इन रूट करके बहुत बेहतर तरीके से हम लोग कार्यक्रम को आयोजित कर पाएंगे, ऐसा अनुमान है हम लोग। नहीं बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग देखेंगे कि क्या रिसोर्सेज हैं ग्राम पंचायत स्तर पे, उनके क्या रिसोर्सेज हैं और क्या कार्य हैं उनके पास, और हम लोग प्रयास करेंगे कि ये कार्य भी हों, कायाकल्प के सब कार्य हों और जो रेगुलर्स काम जो हैं नाली खड़ंजा और इसके ये भी कार्य हों, और हम लोग किस तरीके से नरेगा को कन्वर्जेंस करके राज्य वित्त 14वें वित्त का नरेगा से कन्वर्जेंस करके हम लोग कैसे बेहतर प्रयोग कर सकते हैं इसके माध्यम से, और ग्रामीण स्वशासन के माध्यम से हम लोग बेहतर करने का प्रयास करेंगे और ग्राम की जो आधारभूत संरचना है उसको हम लोग मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और नहीं, हम लोग देखेंगे किस तरीके से व्यवस्था रही है पूर्व के वर्षों में और उसमें क्या हम लोग और भी बेहतर कर सकते हैं, उसका प्रयास किया जाएगा और कैसे हम रूट चार्ट बनाकर बेहतर व्यवस्था करके अधिक से अधिक लोगों को सहभागी बना सकते हैं, ये प्रयास हम लोग का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सारस न्यूज़, अयोध्या।